हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक हर्ब के बारे में बात करेंगे जो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। उस हर्ब का नाम है साइडा कोर्डिफोलिया। तो ये जो हर्ब है साइडा कोर्डिफोलिया हर्ब है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका जो रोल है वो नर्वस सिस्टम पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया रोल है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये नर्वस सिस्टम के लिए। तो क्या रोल है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो पेशेंट्स हेमिप्लेशिया, पैराप्लेशिया, फेशियल पैरालिसिस, इवन एपोप्लेक्सी के बाद ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम्स, जहाँ पे ये नर्व्स वीक हो जाती हैं, लिम्ब्स वीक हो जाती हैं, पेशेंट का चलना फिरना भी दुभर हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये जो हर्ब है ये एक वरदान से कम नहीं है। जहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर्स नर्व्स की प्रॉब्लम्स के लिए मिथाइल कोबालामिन, प्रीगाबालिन, गामा पैंटिन इत्यादि जो मेडिसन्स हैं वो यूज करते हैं, वहां पे हमारी जो ये वाली हर्ब है साइडा कोर्डिफोलिया ये उतनी ही इफेक्टिव है, बल्कि उससे ज्यादा इफेक्टिव है। तो जिन पेशेंट्स में ये जो इसकी वजह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से बाजुओं में भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है, बैक वीक हो जाती है, इवन पेशेंट चलने में भी दिक्कत महसूस करना शुरू कर देता है, तो वहां पर हम ये जो है मदर टिंचर वो यूज करते हैं। तो ये जो मदर टिंचर है साइडा कोर्डिफोलिया का, इसको हम दिन में 3 बार 15-15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार पानी में डाल के पेशेंट को देते हैं। इसकी डोज को बढ़ाया या कम किया जा सकता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो ये जो है ऐसे पेशेंट्स जहां पे बहुत पेनफुल कंडीशंस है, इवन नर्व्स जो हैं वो दब गई हैं, नर्व दबने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है, इवन शेटिका की प्रॉब्लम है, वहां पर भी ये जो मेडिसन है वो किसी वरदान से कम नहीं है। शेटिका के साथ साथ नंबनेस होना शुरू हो जाती है और नर्व्स जो लिम्ब जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, वहां पर हम इस मेडिसन को यूज करते हैं। तो वहां पे सिर्फ जो मदर टिंचर है वो अकेला यूज करने की बजाय अगर इसको साथ में आप ऑयल भी यूज करते हो इसका, तो वो जो है वो सोने पे सुहागे का काम करता है। तो उससे क्या होता है कि जो पेशेंट की नर्व्स हैं, जो उसकी लिम्ब्स हैं, वो सारी जो कमजोरी है वहां की वो ठीक होके उसको बल मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि इसका नाम है बला, बला मीन्स बल देने वाली, तो ये नर्व की कमजोरी को भी बल देती है, उसको भी ठीक करती है, और इवन जो कमजोर लिम्ब्स हैं उनको भी ये ठीक करने का काम करती है। लेकिन इस सारी बात में शर्त सिर्फ एक ही है कि इसको जल्दी से, अगर आप कहीं से इसको नैसर्गिक स्थान से तोड़ के और उसको जितनी जल्दी हो सके उसको आप मदर टिंचर रेडी कर लीजिए, तभी ये इफेक्टिव होगी। सूखी हुई जड़, सूखी हुई जो उसके वो है जड़ है वो उसका कोई इफेक्ट नहीं हो पाता। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज का जरूर फायदा उठाओगे और अपने पेशेंट्स को भी इसका फायदा लेने के लिए आग्रह करोगे।